सपना था गांधी जी का, पंचायती राज होना चाहिए देश में और पंचायतों को पावर दे दी जाए। आज भी क्या होता है, सरकारें देती हैं पैसा, फिर वो अधिकारी को दे दिया जाता है, अधिकारी फिर उसका ऑडिट करता है, उसी के पास सारा निरीक्षण रहता है उसका। अगर यही पावर अगर गांव की पंचायत को दे दिया जाए, ठीक है ना, और उसका ऑडिट सरकार करे, तो वो उससे आपके गांव में परिवर्तन नहीं आएगा, बदलाव नहीं आएगा। अभी जो हम लोग ये है व्यवस्था, उन नौकर शाह से गुजर के यहाँ आती है हम लोगों के पास, डायरेक्ट कोई सुविधाएं नहीं, और हम लोगों को चापलूसी करना पड़ता है नौकर शाह को किसी भी चीज। देखिए अभी तक भत्ता हम लोगों को नहीं मिला, ये 5 साल का टर्म पूरा 16 में होने जा रहा है, एक बार मात्र मिला है ग्राम कचहरी को और पंचायत राज को एक बार 5 साल में, और भी भत्ता तक। और सरकार का कहना है जो सालों साल मिल रहा है वो नहीं मिल रहा है, कहीं पंचायत भवन नहीं है, कहीं ग्राम कचहरी भवन नहीं है, और जवाबदेही किसी की नहीं है, और सरकार इसमें हेल्प नहीं, कोऑपरेशन पूरा नहीं कर रही। सरकार टोटल काम पेपर पर, जो भी पंचायत सचिव समिति हो चाहे वार्ड हो, उसका कोई वैल्यू नहीं रह गया। जो उसके पास न कोई शासन का सत्ता का कोई चीज़ हो जो उसको वह चला सके, पेपर में बोलने के लिए तो बहुत सब कुछ कहा जाता है, लेकिन उसका अनुपालन यहाँ नहीं किया जाता है। सिंचाई का व्यवस्था जो कह रहे हैं तो सिंचाई का नलकूप कहते, एक भी नलकूप यहाँ सही से नहीं है, और सरकार के तरफ से नलकूप आज तक भाई साहब पीछे से बात कर रहे हैं। सब्सिडी कोई भी सामान पर है, डीजल लेना है, ट्रैक्टर लेना है, कुछ लेना है, उस पर अगर 50% से 50,000 रुपया सब्सिडी है तो उसके लिए 50,000 रुपया हम घूस देंगे तब होगा। ये तो ब्लॉक में भी जो है विधायक वगैरह सब लोग के सामने, भाई आखिर जब माल चारा कल है 3,000 रुपया हम खरीद रहे हैं, हम जाएंगे सब वहाँ ब्लॉक से ऑर्डर करा करके 40% फ्री है तो उसका दाम हो जाएगा 7,000 रुपया, है नहीं। इस बात के लिए ब्लॉक में भी सब विधायक विधायक सब के सामने में जो है पूछा गया कि आखिर पैसा जाता कहाँ है, पूछते हैं। हाँ पूछे हैं, हम अपने खुद पूछे। तो क्या जवाब मिला? कुछ नहीं, सारा कृषि पदाधिकारी जिला पदाधिकारी सब लोग बैठे रहते हैं, सब लोग माल देते हैं तब पुष्टि होता है। डीएम साहब 2 करोड़ देंगे तो आएंगे, प्रखंड पदाधिकारी 50 लाख देंगे तो यहाँ आएंगे, यहाँ तो क्लियर रेट खुला हुआ है, इसमें क्या है, तो हर विभाग का बात है पहले से ज्यादा लूट रहा है। अब ये तो आम सी बात हो गई, आम सी बात हो गई, बड़े आम सी बात हो गई। जो भी उपकरण है जिस पर सब्सिडी है, मतलब कि जो प्राइस उसको बढ़ाया जाता है, मूल्य को बढ़ा दिया जाता है, अगर उसका सब्सिडी भी अगर नहीं लिया जाएगा ना तो उससे कम रेट में जो सरकारी जो मूल्य निर्धारित है, कोई भी अगर पंप सेट है अगर उसको अगर हम सरकार का मूल्य है 40,000 रुपया तो उसको 25,000 रुपया जो है किसान को मिल जाता है बाजार से, तो क्यों जाएंगे सब्सिडी लेने, और सामान भी उतना बढ़िया रहता नहीं है। मोबाइल चार्ज करने के लिए यहाँ 75% लोग इन्वर्टर अपना जनरेटर रखे हुए है जिससे कि काम लोग लेते हैं, और नहीं तो इसी रही है, इसीलिए छोड़ छोड़ के लोग शहर जा रहा है। अभी आपको बताया ना कि शुभम कुमार जी वहाँ होटल चला रहा है, वहाँ रहता है नहीं, मुजफ्फरपुर का नाम उड़ा है, इस गाँव का जन्म है उसका, फादर है उसके, चचे है वो, है नहीं, और उसका कोई नहीं जानता है। कहाँ पकौली गांव का एक लड़का है जो बिहार चैंपियन 6 साल से है, आज इंडिया टीम में उसका सिलेक्शन हुआ है, कोई जानता है जिला में? नहीं जानता है। अच्छा, और वहाँ सब लोग जानता है कि मुजफ्फरपुर का शुभम, मुजफ्फरपुर का शुभम, वहाँ जब पहुँचता है गाँव का नाम तो हुआ ना, गाँव का नाम तो हुआ, तो जानता है मुजफ्फरपुर का, लेकिन यहाँ जो है यहाँ प्रशासन जब आता है मुजफ्फरपुर में तो डीएम एसपी डीआईजी आईजी वो लोग उसके लिए बुला बुला करके अपना 1-2 घंटा जो है उसके साथ खेलते हैं, देखते हैं, और यहाँ कोई चिरवो नहीं करता है कि सुबह में। चलिए ठीक है, मूलभूत सुविधाओं की क्या स्थिति है इस गांव में, उसके ऊपर भी जरा एक नज़र डाल लेते हैं और जान लेते हैं कि स्वास्थ्य की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, और जो भी मूलभूत सुविधाएं गांव में होनी चाहिए उसकी मौजूदा स्थिति इस गांव में क्या है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि शिक्षा के ऊपर जो है सबको स्वर्ण आरक्षण जो होता है, आज तक सबको ही बोले लेकिन स्वर्ण आरक्षण आज तक पटरी पर लाया नहीं गया, और हमारे बच्चे जो STSC में आते हैं वो 45 नंबर लाते हैं, वो IIT में मेडिकल में चले जाते हैं, लेकिन मेरे बच्चे यदि 115 भी लाएंगे तो 1.5 लाख के अंदर में नहीं आएंगे, और यदि आरक्षण देना है तो सबको जो भी हर जात में, तो हर जात में आरक्षण दिया, हर जात में आरक्षण ऐसा दिया जाए जो गरीब है। अच्छा, और उसको गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी नीचे। चलिए, ये व्यक्तिगत राय है आपकी? यहाँ व्यक्तिगत राय नहीं, पूरे समाज की राय है। अच्छा, जो इस तरह का दिया जाए जो सबको भला, सबको किसी हर जात में बड़ा है, मतलब है तो उसको मिल गया, गरीब अमीर है तो उसको दिया जाता है, और जो नीचे कास्ट में भी है उनको
आरक्षण के कारण वो बड़े बड़े लोग हैं और उनको आरक्षण मिला।